हम डिस्कस कर रहे थे रेजोल्यूशन, ठीक है ना। तो हमने रेजोल्यूशन डिटेल में डिस्कस कर ली थी, सही है। आज कुछ और एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे रेजोल्यूशन, ठीक है। अब जैसे हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी रेजोल्यूशन की वैल्यू कितनी है, 200 नैनोमीटर। एंड जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी रेजोल्यूशन की वैल्यू कितनी है, 0.5 नैनोमीटर। यहाँ पे हमें लिस्ट डाउन किया था ना कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी रेजोल्यूशन की वैल्यू कितनी है, इट्स 200 नैनोमीटर। एंड जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन है उसकी वैल्यू कितनी है, इट्स 0.5 नैनोमीटर, राइट। तो मुझे बताओ कि हाई रेजोल्यूशन किसकी है, लो रेजोल्यूशन किसकी है, कौन से माइक्रोस्कोप की हाई रेजोल्यूशन है, कौन से माइक्रोस्कोप की लो रेजोल्यूशन है। यस, लाइट माइक्रोस्कोप की हाई रेजोल्यूशन है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हाई रेजोल्यूशन है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हाई रेजोल्यूशन है। तो फिर यहाँ पे वैल्यू तो लाइट माइक्रोस्कोप की ज्यादा आ रही है, रेजोल्यूशन की जो वैल्यू है वो लाइट माइक्रोस्कोप की ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कम है। तो फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन हाई क्यों है और लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन लो क्यों है? याद रहे कि जो रेजोल्यूशन की वैल्यू है ना, ये वैल्यू जितनी कम आएगी ना रेजोल्यूशन उतनी हाई होगी। तो हम यहाँ पे ये पॉइंट लिख रहे हैं नीचे जो नोट करने वाला पॉइंट है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट लोअर द वैल्यू of resolution, higher will be the resolution. Now this is a little bit strange, but ऐसा ही है। Lower the value of resolution, value जितनी कम होगी resolution उतनी high होगी। क्या reason है इसका, what is the reason? क्योंकि basically हमने बात किया, हमने ये discuss किया था कि जो resolution की value है ये actually है क्या, distance, ठीक है, between the two points, या हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये लेंथ कह सकते हैं इस रेजोल्यूशन की वैल्यू को, लेंथ ऑफ ए स्ट्रक्चर और अ डायमीटर ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो यानी रेजोल्यूशन की जो वैल्यू जितनी कम होती है ना उतनी ज्यादा डिटेल्स नजर आती हैं, ऐसे ही है ना। ये जो वैल्यू है यहाँ पे 200 नैनोमीटर और 0.5 नैनोमीटर, यानी जितनी ये वैल्यू कम होगी ना उतनी ज्यादा डिटेल्स नजर आएंगे आपको। जब आप स्पेसिमेन को, किसी टिश्यू को देख रहे हो अंडर द माइक्रोस्कोप या किसी सेल को देख रहे हो अंडर द माइक्रोस्कोप, तो जितनी कम वैल्यू होती है ना रेजोल्यूशन की उतनी ज्यादा डिटेल्स आपको नजर आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली वैल्यूज क्या इंडिकेट करती हैं, ये वैल्यूज इंडिकेट ये करती हैं कि अगर इस, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो उसकी रेजोल्यूशन 0.5 नैनोमीटर है, तो इसका क्या मतलब है कि 0.5 नैनोमीटर से बड़े जितने भी स्ट्रक्चर होंगे वो नजर आएंगे, ठीक है। और अगर जैसे लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी वैल्यू है रेजोल्यूशन के 200 नैनोमीटर, तो ये एम्फेसाइज करती है, ये बताती है कि 200 नैनोमीटर से बड़े जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे वो दिखेंगे। तो ज्यादा स्ट्रक्चर्स हमें कहाँ देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें वो सारे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे जो 0.5 नैनोमीटर से बड़े हैं, ठीक है ना, समझ में आई बात। जबकि लाइट माइक्रोस्कोप से हमें वो स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे जो 200 नैनोमीटर से बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। तो सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स 200 नैनोमीटर से छोटे हैं, कॉन्सेप्ट समझना इसको, कि सेल में देयर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स व्हिच आर लेस इन डायमीटर देन द 200 नैनोमीटर, सही है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स सेल के अंदर 200 नैनोमीटर से छोटे हैं तो वो लाइट माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आते, लेकिन बहुत सारे स्ट्रक्चर्स सेल के अंदर 0.5 नैनोमीटर से बड़े हैं तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट ये। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको ज्यादा डिटेल नजर आती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन हाई है। रेजोल्यूशन हाई होने का मतलब ये है कि आपको ज्यादा डिटेल नजर आए, और रेजोल्यूशन कम होने का मतलब ये है कि आपको कम डिटेल्स नजर आए, ठीक है ना। तो याद रहे कि रेजोल्यूशन की वैल्यू जितनी कम होती है उतनी ज्यादा डिटेल्स आपको नजर आती है, यानी उतनी हायर रेजोल्यूशन होती है, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसको थोड़ा सा और हम इम्प्रूव कर देते हैं इस पॉइंट को, क्या लिख देते हैं कि लोअर द वैल्यू ऑफ रेजोल्यूशन, हायर विल बी द रेजोल्यूशन बिकॉज मोर डिटेल्स आर सीन यूजिंग द माइक्रोस्कोप, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट।
अब जैसे एक सवाल है, देखते हैं कि तुम लोग सवाल को सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते। सवाल ये है कि स्टूडेंट प्लेसेस अ फिल्टर बीनीथ द लाइट सोर्स, या द स्टूडेंट प्लेसेस अ फिल्टर ओवर द लाइट सोर्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। The filter only allows red light to pass through. Red light has a wavelength of 700 nanometers. What will be the resolution of light microscope? Yes. यानी पहले क्या हो रहा था कि लाइट माइक्रोस्कोप में मैं अपनी पिक्चर दिखाता हूँ। आई एम पेस्टिंग अ पिक्चर बेसिकली ओवर हियर। ये पिक्चर हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इन अ वाइल। आई एम जस्ट प्लेसिंग इट राइट नाउ जस्ट टू गिव यू अ पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसमें एक लाइट सोर्स होती है। Any these are the basic plans of the three microscopes that we will be going to discuss. So light microscope की जब भी हम बात करते हैं तो light microscope में क्या होता है, light source होती है ना। अब light source जहाँ पे है, light source के पास उन्होंने एक filter लगा दिया है। For example, this is the filter and this is red filter. तो red filter क्या करेगा, तो ये red light को pass होने देगा। ऐसे ही होता है ना कि जब आप लोगों ने notice किया होगा disco lights, पता है तुम सबको disco lights में क्या होता है कि जो विजिबल लाइट होती है उसके आगे एक फिल्टर रख देते हैं। जैसे रेड फिल्टर रख देंगे ना, अगर रेड कलर का एक फिल्टर रख देते हैं जो सिर्फ रेड लाइट को पास होने देता है, बाकी सारी लाइट्स को पास नहीं होने देता। तो काइंड ऑफ उसने ऐसा फिल्टर रख दिया स्टूडेंट ने, लाइट सोर्स के नीचे फिल्टर रख दिया। तो अब क्या होगा, सिर्फ रेड लाइट पास होगी। तो पहले कौन कौन सी लाइट्स पास होती थी? यस गाइस, पहले कौन सी लाइट्स पास होती थी? ये सारी लाइट्स पास होती थी ना, यानी ये सारी लाइट्स पास हो रही होती थी बिब की ओर। पूरी की पूरी विजिबल लाइट पास हो रही होती थी, जिसमें वॉयलेट भी होती थी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब सिर्फ रेड पास हो रही है, जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 700 नैनोमीटर। तो अब लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन कितनी हो जाएगी? हाउ डू वी कैलकुलेट रेजोल्यूशन? यस, रेजोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेजोल्यूशन इज इक्वल टू wavelength into 0.5, ऐसा ही है ना, half the wavelength। तो आंसर क्या होगा इसका, wavelength अब कितनी हो गई है, 700 हो चुकी है ना wavelength। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, आंसर क्या आएगा, 350। तो अब रेजोल्यूशन कितनी हो गई है, 350 नैनोमीटर। ये बात समझ में आई कि पहले लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन कितनी थी, 200। क्यों पहले 200 क्यों थी, पहले 200 क्यों थी? क्योंकि पहले जो लाइट पास हो रही थी ना वो विजिबल लाइट पूरी थी और उसमें सारी वेवलेंथ थी, ठीक है, उसमें 400 वाली वेवलेंथ भी थी। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम रेजोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं और अगर वेवलेंथ हमें रेंज में गिवन हो तो हम कौन सी वेवलेंथ लेते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेते हैं। ये हमने पढ़ा था ना पहले लास्ट क्लासेस में, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में ही बल्कि पढ़ा था कि जब हमारे पास वेवलेंथ की रेंज गिवन होती है और हमें रेजोल्यूशन निकालनी होती है वेवलेंथ से, तो हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेते हैं ना। तो पहले सारी लाइट्स पास ऑन हो रही थी, पास हो रही थी सारी लाइट्स, तो हमने 400 नैनोमीटर लिया था और रेजोल्यूशन निकाली थी, इसको हाफ किया था तो 200 नैनोमीटर आ रहा था। अब सिर्फ पास हो रही है रेड लाइट और रेड लाइट की वेवलेंथ कितनी है, 700 नैनोमीटर। तो अब सिर्फ रेड लाइट पास हो रही है तो रेजोल्यूशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 350 नैनोमीटर। क्लियर है?
क्लियर है सारी बातें यहाँ पे या नहीं? तो इस तरह के सवाल भी पेपर में आ चुके हैं। इसके अलावा मुझे ये बताओ कि ये जो रेजोल्यूशन है कम हो गई है बढ़ गई है? नेक्स्ट सवाल ये है कि हैज रेजोल्यूशन इंक्रीज और डिक्रीज, पार्ट बी। समझे, पार्ट ये था। पार्ट बी इज हैज रेजोल्यूशन इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। तो रेजोल्यूशन इज डिक्रीज्ड क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ गई। जब रेजोल्यूशन की वैल्यू बढ़ जाती है रेजोल्यूशन कम हो जाती है। तो रेजोल्यूशन इज डिक्रीज्ड। समझ में आ गई सारी बात? ओके, एक और सवाल करते हैं। सर जी, सर आपने बोला कि रेजोल्यूशन जो है वह डिक्रीज हो गई है, तो आपने पहले बताया था कि जब लोअर वैल्यू होगी रेजोल्यूशन की तो रेजोल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। हाँ ऐसे ही है। तो अगर फोर अगर वो 700 से 350 हुई है तो फिर 750 नहीं हुई है वो 700 से 350 नहीं हुई है वो 200 से 350 हो गई है, बढ़ गई है वैल्यू। बढ़ गई है वैल्यू तो रेजोल्यूशन कम हो गई। ओके, मुझे बताओ कि जो अल्ट्रावायलेट लाइट है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है लाइट विजिबल लाइट से कम होती है? यस, वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट लाइट की कम होती है विजिबल लाइट से या ज्यादा होती है? कम होती है, ठीक है। तो अगर ये सवाल है कि अल्ट्रावायलेट लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट द लाइट माइक्रोस्कोप, wait, let me tell you the value of ultraviolet light wavelength. वो हमें याद नहीं करनी ये वैल्यू, बस मैं तुम्हें सिर्फ वैल्यू बता रहा हूँ कि इस तरह के सवाल पेपर में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बता दिया कि अल्ट्रावायलेट लाइट हैज अ वेवलेंथ ऑफ 10 to 400 nanometers, ये रेंज है अल्ट्रावायलेट लाइट की। व्हाट विल हैपन टू द रेजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप? बढ़ेगी कम होगी रेजोल्यूशन? यस,
अल्ट्रावायलेट लाइट यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट. विजिबल लाइट की वेवलेंथ आपको याद होनी चाहिए, ये आपके सिलेबस में है, 400 टू 700 नैनोमीटर. अल्ट्रावायलेट लाइट की वेवलेंथ आपके लिए जरूरी नहीं है, इवन मुझे भी याद नहीं थी अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ, अल्ट्रावायलेट लाइट की वेवलेंथ मुझे भी याद नहीं है. अब मैंने देखी 10 टू 400 नैनोमीटर, ठीक है. तो बेसिकली आपको याद नहीं करनी है, आपको गिवन होगी. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि वेवलेंथ जो है अल्ट्रावायलेट लाइट की कम है ना, तो वेवलेंथ कम होगी तो रेजोल्यूशन की वैल्यू कम होगी और रेजोल्यूशन हाई होगी. समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट ये? यहाँ पे मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे रेजोल्यूशन की वैल्यू निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगा. इफ इन केस आई जस्ट वॉन्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजोल्यूशन, हाउ डू आई कैलकुलेट रेजोल्यूशन इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू वेवलेंथ, इस तरह लेते हैं लैम्डा, मैं इसका सिंपल बना रहा हूँ, वेवलेंथ इनटू 0.5. तो वेवलेंथ कितनी है हम यहाँ पे लेंगे, कौन सी वेवलेंथ लेंगे, विल बी यूज 400 और 10. यस, जब भी वेवलेंथ रेंज में गिवन हो एंड यू आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ रेजोल्यूशन यूज द स्मॉलेस्ट वन. तो स्मॉलेस्ट वन इज 10, 10 इनटू 0.5, क्या आंसर आएगा इसका, 5 नैनोमीटर्स. तो वैल्यू कम है ना, जब अल्ट्रावायलेट आप यूज कर रहे हो तो रेजोल्यूशन की वैल्यू कम है, इट मींस रेजोल्यूशन इज हायर. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप विल इंक्रीज. नहीं, मुझे नजर आ रहे हैं मैसेजेस, सारे मैसेजेस मुझे नजर आ रहे हैं, डोंट वरी गाइस. ओके, यू कैन मैसेज इफ यू वांट टू. अब बात सारी यहाँ पे ये है कि रेजोल्यूशन जो है उसके साथ क्या होगा कि वो इंक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ पे जो दो सवाल हमने किए इससे हमें क्या आइडिया होता है, इससे हमें क्या आइडिया हो सकता है, लिंक ऑफ रेजोल्यूशन एंड वेवलेंथ. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगेन अनदर नोट, एंड व्हाट इज दैट नोट, एज द वेवलेंथ डिक्रीजेस रेजोल्यूशन इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. समझ में आई बात, कि जैसी वेवलेंथ कम हो जाएगी रेजोल्यूशन बढ़ जाएगी. ये एमसीक्यू में कॉमनली पूछा जाता है तो ये तुम्हें पता होना चाहिए. लेकिन जब अगर हम बात करें रेजोल्यूशन की वैल्यू, तो रेजोल्यूशन की वैल्यू ऑब्वियसली कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो रेजोल्यूशन की वैल्यू भी कम होगी. लेकिन रेजोल्यूशन की वैल्यू और रेजोल्यूशन का इटसेल्फ क्या कनेक्शन है, इनवर्स कनेक्शन है. कि रेजोल्यूशन की वैल्यू कम होती है तो रेजोल्यूशन इटसेल्फ हाई होती है. सही है ना, ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट रेजोल्यूशन. अब आ जाते हैं दूसरे एस्पेक्ट्स पे माइक्रोस्कोप के, जो हम डिफरेंसेस लिख रहे थे. अब बात सारी ये है कि सबसे पहले कौन सा माइक्रोस्कोप आया था, विच माइक्रोस्कोप केम इनटू एग्जिस्टेंस फर्स्ट, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप केम इनटू एग्जिस्टेंस फर्स्ट, वेरी गुड ईशल, सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप आया था. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों निकाला, यस, व्हाई डिड दे इन्वेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बिकॉज लाइट माइक्रोस्कोप से ज्यादा डिटेल्स नजर नहीं आती थी, ऐसे ही होता था ना. अभी हम ये देख रहे हैं कि What was the reason of inventing electron microscope? Electron microscope की resolution high थी. They wanted a higher resolution. ठीक है ना? दिन बाद दिन जितने cameras बनते जा रहे हैं, सही है? तो उन cameras की resolution high होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है. जो megapixels हम पढ़ते हैं ना, तुम लोगों ने megapixels सुना होगा. कोई बोलता है, I have iPhone, iPhone has 8 megapixel camera, 16 megapixel camera. ठीक है? तो हम मेगापिक्सल्स की बात करते हैं. वो मेगापिक्सल्स किस चीज का मेजर होते हैं, रेजोल्यूशन का मेजर होते हैं. समझ में आई बात, क्लियर हो गई सारी बातें यहाँ पे. तो जितने भी कैमरास नए बन रहे हैं उन कैमरास की रेजोल्यूशन बढ़ती जा रही है, यानी जो नए कैमरास इन्वेंट हो रहे हैं वो हायर रेजोल्यूशन पे इन्वेंट होते जा रहे हैं. सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन सेटेलाइट के कैमरा की है, ठीक है. तो खैर बात सारी यहाँ पे ये है कि जो
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसको इन्वेंट करने का मकसद ये था कि उसकी रेजोल्यूशन हाई थी और इस हाई रेजोल्यूशन की वजह से हम ज्यादा डिटेल्स देख सकते थे। लाइट माइक्रोस्कोप में हमें कम डिटेल्स नजर आती हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें ज्यादा डिटेल्स नजर आती हैं बिकॉज ऑफ द हायर रेजोल्यूशन। तो ये रीजन था। तो हुआ क्या कि रेजोल्यूशन बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने क्या चेंज किया, रेडिएशन चेंज कर दी ना इन्होंने। इन्होंने ये देखा कि यार उनको बेसिकली उनके माइंड में एक कॉन्सेप्ट आ गया कि रेजोल्यूशन जो है ना वो डिपेंड करती है रेडिएशन के ऊपर, रेडिएशन की वेवलेंथ के ऊपर। तो उन्होंने ऐसी रेडिएशन चूज की जिसकी वेवलेंथ बहुत कम हो, क्योंकि उन्हें पता है वेवलेंथ जितनी कम होती है रेजोल्यूशन उतनी हाई होती है। तो उन्होंने बोला चलो यार इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल कर ली और उसकी रेजोल्यूशन माशाल्लाह से बहुत हाई है। लेकिन मसले हो गए इस रेडिएशन की वजह से। क्या मसले हो गए? बहुत सारे मसले हो गए। तो वही डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अभी हम जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच में, दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द रेडिएशन। बात सारी ये है कि जब हम लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं तो लाइट माइक्रोस्कोप कैन बी यूज टू व्यू both living and dead specimen. अच्छा specimen क्या होते हैं? Microscopy की language में हम जो tissue देख रहे होते हैं या जो cell देख रहे होते हैं, we are observing anything under the microscope. कुछ भी हम microscope को use करके observe कर रहे हैं उसे हम specimen कहते हैं। तो specimen is basically a biological material that we are observing under the microscope. वो होता है specimen. अब लाइट माइक्रोस्कोप से आप लिविंग स्पेसिमेन भी देख सकते हो, डेड स्पेसिमेन भी देख सकते हो, ठीक है? जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप सिर्फ कैन ओनली बी यूज्ड टू व्यू डेड स्पेसिमेन। आप लिविंग स्पेसिमेन नहीं देख सकते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, यानी यू कैन ओनली सी अ डेड टिश्यू और अ डेड सेल यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है? एंड लाइट माइक्रोस्कोप से आप लिविंग टिश्यू भी देख सकते हो, लिविंग सेल देख सकते हो, ठीक है? यानी अगर आपको देखना है कि बैक्टीरिया किस तरह मूव कर रहे हैं, बैक्टीरिया किस तरह मूव कर रहे हैं, तो वो भी आप लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, क्योंकि वो लिविंग होंगे ना, वो मूव कर रहे होंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? लाइट माइक्रोस्कोप से आप लिविंग सेल्स देख सकते हो, ये लाइट माइक्रोस्कोप का एडवांटेज है ओवर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप लिविंग स्पेसिमेन नहीं देख सकते हो। क्या रीजन है? कैन समबडी टेल मी द रीजन? यस, रेडिएशन चेंज करने की वजह से एक मसला ऐसा हो गया कि हम लिविंग स्पेसिमेन नहीं देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। यस, क्या मसला हुआ? कैन समबडी टेल मी द रीजन? ऐसा क्यों होता है कि लाइट माइक्रोस्कोप से आप लिविंग स्पेसिमेन देख सकते हो लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप लिविंग स्पेसिमेन नहीं देख सकते हो? यस, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज नॉट देयर इन लिविंग। फ्री इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं है यहाँ पे, हम कोई इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कंडक्ट कर रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चाहिए होते हैं ना। यहाँ पे हम बेसिकली स्पेसिमेन देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं हो रही है। कुड कॉज एबनॉर्मल टिश्यू, एबनॉर्मल इश्यूज। व्हाट सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मल इश्यूज? चलो मैं बता देता हूँ बिफोर यू टीच मी समथिंग आई डोंट नो। सही है द रेडिएशन? अच्छा एक और आया मजे का आंसर, द रेडिएशन इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विल किल द लिविंग स्पेसिमेन। अच्छा ये चलो नाइस अप्रोच के हम ना कह रही है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेडिएशन है वो लिविंग स्पेसिमेन को मार देगी। नहीं ऐसा तो नहीं, मारेगी नहीं। ये कोई वो थोड़ी है, अल्फा रेज बीटा रेज गामा रेज थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन बीम है यार। इलेक्ट्रॉन बीम इतनी खतरनाक नहीं होती, वो अल्फा रेज बीटा रेज गामा रेज हैं जो विच कैन किल यू, लेकिन वो भी इन लॉन्ग टर्म कैंसर करके मारेंगी, वैसे नहीं मारेंगी। बेसिकली मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या रीज़न है कि तुम लोगों ने ओ लेवल से पढ़ा होगा, ओ लेवल फिजिक्स में, कि जो लाइट है, लाइट वेव जो है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। यानी लाइट वेव जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल। इसका क्या मतलब है कि वो किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर जाती है और वो मीडियम उसे डिस्टर्ब नहीं करता।
यानी लाइट कैन पास थ्रू एनीथिंग विदाउट डिस्टर्बेंस. ऐसा नहीं होता कि लाइट जो है स्कैटर हो जाए किसी चीज के थ्रू पास होके, नहीं, लाइट जो है ना वो पास कर सकती है. हाँ, अंडे अनलेस अगर वो चीज ओपेक होगी तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है ना, वो एक अलग चीज है. लेकिन लाइट ऐसा नहीं होता कि लाइट किसी चीज के थ्रू पास हो और स्कैटर हो जाए. समझ में आई बात? लाइट पास कर सकती है चीजों के थ्रू. हम ये देखते हैं ना कि ग्लास है उसके थ्रू लाइट पास कर जाती है, सही है. तो लाइट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी मीडियम. जबकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल्स. तो होता यह है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होती है, एयर होती है ना. जैसे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर एयर है, और एयर चाहिए क्यों? एयर क्यों चाहिए वैसे? व्हाई डू वी नीड एयर? अगर कोई टिश्यू है उसे जिंदा रहना है तो उसे क्या चाहिए होगी? एयर. हम सबको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन, ठीक है ना. तो याद रहे कि ऑक्सीजन चाहिए एक टिश्यू को जिंदा रहने के लिए, एक सेल को जिंदा रहने के लिए. तो अगर आप माइक्रोस्कोप से कोई लिविंग टिश्यू देख रहे हो तो उस लिविंग टिश्यू को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एयर या ऑक्सीजन चाहिए. तो हम लाइट माइक्रोस्कोप में एयर रख सकते हैं क्योंकि लाइट कैन पास थ्रू द एयर. एयर डज नॉट अफेक्ट लाइट, यानी लाइट को स्कैटर नहीं करती, फैलाती नहीं है एयर. एयर के पार्टिकल्स जो होंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे, उसके थ्रू लाइट पास हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा लाइट को. लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स फायर करना शुरू कर दूं एयर में तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल हिट द एयर मॉलिक्यूल्स एंड दे गेट स्कैटर. वो स्कैटर हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, ठीक है ना. जैसे अब इलेक्ट्रॉन बीम यू जा रही है तो समझो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं. अगर ये मॉलिक्यूल से टकराए तो हो सकता है कि वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए, एक यू स्कैटर हो जाए. लेकिन लाइट जो है वो एयर मॉलिक्यूल के थ्रू स्ट्रेट पास हो जाएगी. समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? ये बात क्लियर हो गई कि लाइट जो है ना इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एयर. लाइट का पैसेज एयर अफेक्ट नहीं करती, जबकि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स है ना तो उनको एयर अफेक्ट करती है और उनको स्कैटर कर देगी. यही रीजन है कि हम लाइट माइक्रोस्कोप में एयर इस्तेमाल कर सकते हैं, एयर यूज कर सकते हैं. एयर होती है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर एयर नहीं होती. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हमें वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है, और जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देंगे तो एयर होगी नहीं. तो जो हमारा स्पेसिमेन होगा वो जिंदा कैसे रहेगा? नहीं रहेगा, इट विल नॉट बी लिविंग. समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको वापस एक दफा रिपीट करूँ. क्लियर है सारी बातें? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिख देते हैं यहाँ पे. व्हाट इज द रीजन? वैक्यूम इज क्रिएटेड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रिवेंट स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रॉन बीम बाय collisions with air molecules. ठीक है, वैक्यूम इज क्रिएटेड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रिवेंट scattering ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रॉन बीम बाय collision with air molecules. ठीक है, और क्या रीजन है? और कोई रीजन है कि हम लिविंग स्पेसिमेंस नहीं देख सकते? एक और रीजन है जो मैं आगे बताऊंगा. अच्छा, इस रेडिएशन की वजह से और क्या प्रॉब्लम्स हैं? यस, वेरी गुड. कलर, यानी और क्या प्रॉब्लम्स हैं? लाइट माइक्रोस्कोप से हमें कौन सी इमेज मिलती है? कलर्ड इमेज मिलती है. जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें कौन सी इमेज मिलती है? ब्लैक एंड व्हाइट. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली लाइट में कलर्स हैं, हमें पता है 7 कलर्स हैं लाइट के अंदर, विप प्योर. तो जितने भी विजिबल लाइट में कलर्स हैं वो सब के सब कलर्स जो हैं वो लाइट्स पास हो रही हैं थ्रू द स्पेसिमेन, तो स्पेसिमेन की कलर्ड इमेज आती है. जबकि इलेक्ट्रॉन्स कलर्ड नहीं होते ना,
यानी इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली अगर स्पेसिमिन के थ्रू पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाके हिट करते हैं, वैसे अगर वो स्पेसिमिन के थ्रू पास करते हैं तो वो कहाँ जाके हिट करते हैं, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे हिट करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ डायग्राम कि वर्किंग कैसे होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। कि यहाँ पे देखो हमें नजर आ रहा है कि इमेज व्यूड डायरेक्टली। अच्छा एक और चीज ये है कि लाइट माइक्रोस्कोप से जो इमेज होती है वो डायरेक्टली नजर आती है। व्हाट इज मीन बाय डायरेक्टली नजर आती है, आप क्या करते हो बेसिकली, आप लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हो, आप लोगों ने शायद किया हो लाइट माइक्रोस्कोप पहले यूज। तो लाइट माइक्रोस्कोप हम कैसे यूज करते हैं, बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप पे जब हम स्पेसिमेंट प्लेस करते हैं उसकी लाइट जलाते हैं तो हम ऊपर से जाके देखते हैं ना, मतलब उसका एक आईपीस होता है लाइट माइक्रोस्कोप का जिससे आप देख सकते हो इमेज, समझ में ही बात। यूजली आईपीस होता है, आईपीस को हम यूं रख के, आईपीस पे हम अपनी आंख रख के देख सकते हैं कि कौन सी इमेज है, तो डायरेक्टली हमें इमेज नजर आती है ना, ये होता है लाइट माइक्रोस्कोप में। क्यों? क्योंकि वो जो लाइट है वो स्पेसिमेन के थ्रू पास होके कहाँ आ रही होती है, हमारी आंखों तक आ रही होती है ना, ऐसे ही है ना। कि यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से लाइट पास हो रही है, फिर लेंसेज के थ्रू पास हो रही है, लेंसेज मैग्निफिकेशन करते हैं, मैग्निफिकेशन पे आ रहे हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है जूमिंग इन, और उसके बाद क्या होता है कि वो सीधा लाइट हमारी आंखों में आ रही होती है और हमारी आंखों में इमेज बन रही होती है, तो डायरेक्टली हमें इमेज नजर आ रही होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आईपीस हो तो आपकी आंखों पे आगे इलेक्ट्रॉन लगेंगे, आपकी आंखों पे लाइट थोड़ी आएगी, और अगर आपकी आंखों पे आगे इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं तो क्या होगा, नजर आएगा कुछ नहीं नजर आएगा, ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट ये। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कोई आईपीस नहीं होता देखने के लिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सिंपली क्या होता है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन बीम है ना, ये इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है एक सोर्स है, जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है उससे इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है, लेंसेज के थ्रू पास कर रही है, लेंसेज मैग्निफाई कर रहे हैं इमेज को, एंड इवेंचुअली ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ जाके टकरा रहे हैं, एक स्क्रीन होती है विच इज नोन एज द फ्लोरेसेंट स्क्रीन। व्हाट इज मीन्ड बाय फ्लोरेसेंट स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन पता है क्या होती है, एक ऐसी स्क्रीन जिसपे जाके इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं ना तो लाइट प्रोड्यूस होती है। अभी लाइट जो होती है ब्लैक एंड व्हाइट होती है, बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट अपीयरेंस आती है। बेसिकली होता ही है कि जहां पे जाके इलेक्ट्रॉन्स हिट करेंगे ना वहां पे व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी, और जहां पे हिट नहीं करेंगे वहां पे ब्लैकिश अपीयरेंस होगी, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। जहां पे इलेक्ट्रॉन्स जाके हिट करेंगे वहां पे ग्लो होगा ब्राइट, और जहां पे हिट नहीं करेंगे वहां पे क्या होगा, ब्लैक ग्लो होगा, तो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आएगी, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। जैसी इमेज हमें यहाँ पे नजर आ रही है, सही है, क्लियर है। अब नोटिस करो यहाँ पे, गौर से सुनना कि व्हाइट एरियाज कहाँ हैं, वेयर कैन वी सी द व्हाइट एरियाज, ये व्हाइट एरिया है ना, ये टिश्यू का व्हाइट एरिया या सेल का व्हाइट एरिया है, फॉर एग्जांपल दिस इज द व्हाइट एरिया ऑफ द सेल, तो इस एरिया के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स पास कर गए होंगे, इस एरिया के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स पास कर गए होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स जाके स्क्रीन पर टच किए होंगे तो वो चीज व्हाइट हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो पास नहीं करते तो वो स्क्रीन पे जाके हिट नहीं करते, वो चीज क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। जैसे समझो ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है और समझो ये टिश्यू है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं स्पेसिमेन के थ्रू, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिमेन के थ्रू पास करते हैं और कुछ स्पेसिमेन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो जो पास कर जाते हैं वो जाके स्क्रीन पे हिट करते हैं और वो एरिया वाइट हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं करते एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो स्क्रीन पे जाके हिट नहीं करते और वो एरिया ब्लैक हो जाता है, समझ में आई बात। तो इस तरह हमें कंट्रास्ट नजर आती है, वी कैन सी द कंट्रास्ट व्हाइट एंड ब्लैक, जिसकी वजह से पूरी इमेज आ जाती है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस तरह काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको इमेज डायरेक्टली नजर नहीं आएगी, आपको एक स्क्रीन पर नजर आएगी विच इज द फ्लोरेसेंट स्क्रीन, तो इसलिए कलर्ड इमेज और ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। तो समझ में आ रहा है, कुछ गुजर तो नहीं रहा सर के ऊपर से, अगर कुछ गुजर रहा हो तो बता देना। एक और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है बिकॉज ऑफ द रेडिएशन, वो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है,
अब होता यह है कि लाइट माइक्रोस्कोप के लिए जब हम स्पेसिमेन तैयार करते हैं तो जब लाइट माइक्रोस्कोप के लिए हम स्पेसिमेन प्रिपेयर करते हैं तो स्पेसिमेन कैसे प्रिपेयर करते हैं, टिश्यू को कैसे प्रिपेयर करते हैं? यस गाइस, हम उसका सेक्शन लेते हैं ना, यानी जैसे फॉर एग्जांपल ये टिश्यू है तो इस टिश्यू को मैं पूरा का पूरा तो माइक्रोस्कोप के ऊपर नहीं रख दूंगा ना, मैं एक थिन सेक्शन लूंगा, मतलब मैं इसको कट करके दो दफा कट करूंगा जिससे मेरे पास बहुत पतला सा सेक्शन आ जाएगा, उस सेक्शन को मैं रखूंगा ना स्लाइड के ऊपर, ऐसे ही करते हैं हम। तो लाइट माइक्रोस्कोप में हमें थिन सेक्शन बनाने होते हैं, लेकिन वो थिन सेक्शन बनाना बहुत आसान है, हम खुद बना सकते हैं, आप और मैं बना सकते हैं, उसके लिए ना कोई ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है ना कुछ ज्यादा रिक्वायर्ड है चीजें, बस आपको एक थिन सेक्शन बनाना है विच इज ईजी टू प्रिपेयर। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए कुछ ज्यादा थिन बनाना है आपको, वेरी थिन, जो आप खुद नहीं बना सकते, आप इतना थिन कट करके खुद नहीं बना सकते, उसके लिए चाहिए होती है मशीन, उसके लिए चाहिए होते हैं बहुत हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, और एक्सपर्टीज चाहिए होती है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट सारा? तो मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए इतने थिन स्पेसिमेन क्यों चाहिए? यस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए हमें बहुत ही ज्यादा थिन स्पेसिमेन चाहिए, यानी बहुत थिन सेक्शन चाहिए स्पेसिमेन का, वेरी थिन सेक्शन ऑफ स्पेसिमेन आर रिक्वायर्ड, एंड अगेन दैट इज ड्यू टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। वेरी गुड ईशा, ठीक है, यानी क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम यूज हो रही है ना, तो अगर स्पेसिमेन थिन नहीं होगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे और इमेज कैसी आएगी, पूरी ब्लैक। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो गए, समझो ये स्क्रीन है, ये स्पेसिमेन है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर एब्जॉर्ब हो गए, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाकर टकरा ही नहीं रहा स्क्रीन पे, तो पूरी स्क्रीन ब्लैक होगी, तो इमेज ही नहीं आएगी, सही है ना? यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स पास होने चाहिए और स्क्रीन पे हिट करेंगे तो क्या होगा, एक कंट्रास्ट प्रोड्यूस होगी, एक इमेज प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए बहुत ज्यादा वेरी वेरी थिन स्पेसिमेन चाहिए होता है, और उसके लिए मशीन्स चाहिए होती हैं, उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए होती है, जो मशीन्स मतलब एक्सपर्टीज क्यों चाहिए, मशीन्स यूज करने वाली एक्सपर्टीज, सही है, क्लियर हो गई सारी बातें यहाँ पे? तो फिर एक्सपेंसिव ज्यादा कौन सा होगा, ये एक्सपेंसिव होगा, चलो हम उस पर आते हैं, अभी तो हम डिफरेंसेस लिख रहे हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नो नीड टू प्रिपेयर ड्राई स्पेसिमेन, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए ड्राई स्पेसिमेन चाहिए होगा, क्यों ड्राई स्पेसिमेन चाहिए? यस, ड्राई स्पेसिमेन क्यों चाहिए? अगेन अगर बहुत ज्यादा पानी होगा टिश्यू के अंदर तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा या इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर कर देगा, इमेज खराब कर देगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो लाइट तो पास हो जाएगी ना उसके थ्रू, लाइट का तो मसला ही नहीं है, लाइट को इफेक्ट नहीं करता पानी, पानी के थ्रू लाइट पास हो सकती है ना, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम पास नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटर हो जाएगी, फैल जाएगी या वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा इलेक्ट्रॉन बीम को। तो अब ड्राई स्पेसिमेन यूज करने से क्या मसला है, ड्राई स्पेसिमेन चलो हमने यूज कर लिया, स्पेसिमेन को ड्राई कर दिया बहुत ज्यादा, तो ड्राई करने से क्या होगा, ड्राई करने से दो मसले होते हैं, क्या मसले हैं, कि यू कैन ओनली व्यू डेड स्पेसिमेन, अगर आप किसी स्पेसिमेन को ड्राई करोगे, किसी टिश्यू को ड्राई करोगे, वो डेड हो जाएगा, ऐसा ही है ना, सोचने वाली बात है, वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, डिहाइड्रेट होगा उसके अंदर सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस स्लो होके खत्म हो जाएंगे, होंगे ही नहीं, स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जितने भी केमिकल रिएक्शंस सेल के अंदर हो रहे होते हैं वो पानी के अंदर हो रहे होते हैं ना, यानी सारे केमिकल रिएक्शंस पानी के अंदर हो रहे होते हैं, वाटर के अंदर हो रहे होते हैं, तो अगर वाटर ही निकाल दें तो क्या होगा, ये केमिकल रिएक्शंस स्लो डाउन होंगे और स्टॉप हो जाएंगे, एंड दिस विल कॉज अ डेथ ऑफ द टिश्यू। तो मैंने आपको बताया था ना कि एक और रीजन है कि जिसकी वजह से हम लिविंग स्पेसिमेन नहीं देख सकते, वो क्या है, कि जो स्पेसिमेन हम यूज करते हैं वो ड्राई होता है। तो अगर आपसे कभी पेपर में पूछे कि व्हाट आर द टू रीजंस, आज तक तो पूछा नहीं है पेपर में, लेकिन इफ दे आस्क यू इन द पेपर कि व्हाट आर द टू रीजंस व्हाई वी कैन नॉट व्यू लिविंग स्पेसिमेन यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो दो रीजंस क्या होंगे, पहला रीजन ये होगा, आप बताओगे कि वैक्यूम क्रिएट हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, देयर इज नो एयर, देयर इज नो ऑक्सीजन, ठीक है, सेकेंडली द स्पेसिमेन दैट वी यूज इज वेरी वेरी ड्राई, क्लियर सारी बात है।
फिर ड्राई स्पेसिमेन की वजह से दूसरा मसला भी है, वो मसला क्या है? ड्राई स्पेसिमेन होने की वजह से दो मसले हैं, क्या मसले हैं? ओनली डेड स्पेसिमेन कैन बी सीन एंड ड्राइनेस क्या करती है? क्रिएट्स आर्टिफैक्ट्स. What is meant by artifacts? Can you tell me artifacts? Artifacts क्या होते हैं? Yes. What are artifacts? तुम लोग सो गए या थक गए? ट्रस्ट मी, मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ते, स्लोली स्लोली, क्योंकि अगर तुम लोग अभी दूसरे ग्रुप के बच्चों से बात करोगे तो वो तुम्हें बताएंगे कि वो बहुत आगे हो होंगे, अभी वो माइक्रोस्कोप कर चुके होंगे. अभी तक हमारा आधा माइक्रोस्कोप हुआ है. तो आई एम गोइंग स्लो ताकि तुम्हारे अच्छे कॉन्सेप्ट बने, बिकॉज वी हैव टाइम, वी कैन गो स्लो. तो मुझे बताओ आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, यानी आइडिया ऑफ आर्टिफैक्ट्स या नो आइडिया? आर्टिफैक्ट्स का मतलब ये होता है कि बेसिकली जब आप माइक्रोस्कोप में इमेज देख रहे हो तो आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो रियल में नहीं है, यानी वो क्रिएट हो गया स्ट्रक्चर, समझ में आई बात? उसे बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स क्या है? फॉल्स आर्टिफैक्ट बेसिकली होता है कि फॉल्स इंटरप्रिटेशन, फॉल्स इमेज, फॉल्स स्ट्रक्चर विच इज नॉट True, that is called artifact. सही है ना? यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली ये शेप क्या है? इट्स रेक्टेंगुलर. ये नॉर्मल शेप है ना? अगर मैं इसको स्क्वीज करके अजीब सा इसका शेप कर दूँ, मतलब मैं स्क्वीज करके इसको मोड़ के जो है इसका शेप खराब कर दूँ और मैं बोलूँ भाई ये शेप होता है इसका, तो वो क्या होगा? That will not be a true shape, that will be an artifact. तो क्या होता है कि आप लोगों को पता होगा कि सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक द न्यूक्लियस, लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, लाइक द अदर ऑर्गेनल्स, तो उन सब के अंदर पानी होता है ना. अगर उनके अंदर से पानी निकाल लें हम तो वो क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे ना. श्रिंक होके वो डिफरेंट शेप में आ जाएंगे, समझ में आई बात? न्यूक्लियस का शेप भी चेंज हो जाएगा, दूसरे ऑर्गेनल्स का शेप भी चेंज हो जाएगा, समझ में आ रही है बात? सेल का भी शेप चेंज हो जाएगा. तो हमें सब कुछ कुछ ऐसा नजर आएगा जो रियल नहीं है, वो आर्टिफैक्ट है. सही है? और ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्ट्रक्चर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा हो. यानी कभी कभी पानी निकालने से क्या होता है कि कुछ सेल इस तरह श्रिंक होता है कि आपको एक अलग स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है. यानी आप सेल देखोगे, आपके आपको सेल के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा. यानी एज इन जनरल हुआ क्या, जब आपने पानी निकाला ना तो साइटोप्लाज्म फोल्ड हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी वजह से आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सेल के अंदर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता रियल में. ये क्या होगा, इसे क्या बोलते हैं? आर्टिफैक्ट. तो मसला सारा ये है कि जब हम स्पेसिमेन को बहुत ज्यादा ड्राई कर देते हैं ना तो आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. आर्टिफैक्ट्स आर द फॉल्स स्ट्रक्चर्स दैट वी सी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ड्राइंग, जो रियल में नहीं होते. अब सोचो ये स्ट्रक्चर हमें नजर आ गया, हमने इसका नाम भी रख दिया, फिर बाद में हमें पता चला ये तो स्ट्रक्चर है ही नहीं. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये कि आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं स्पेसिमेन से, ड्राइंग स्पेसिमेन से. तो अभी एक सवाल आया था कि मैं रिपीट कर दूं कि भाई स्पेसिमेन को ड्राई क्यों करते हैं. तो स्पेसिमेन को ड्राई इसलिए करते हैं हम क्योंकि अगर स्पेसिमेन ड्राई नहीं होगा, स्पेसिमेन के अंदर पानी होगा ना, तो वो पानी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा. सारे इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कोई इलेक्ट्रॉन पास नहीं होगा स्पेसिमेन के थ्रू, तो इमेज नहीं बनेगी, ब्लैक इमेज होगी बिल्कुल. तो हम चाहते हैं कि वाटर पूरा निकल जाए. लाइट माइक्रोस्कोप में हमें स्पेसिमेन को ड्राई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस किस वजह से हो रहे हैं? रेडिएशन की वजह से. ये सब कुछ रेडिएशन की वजह से हो रहा है, ठीक है. तो रेडिएशन की वजह से क्या क्या हो रहा है कि जब लाइट माइक्रोस्कोप से हमने लाइट माइक्रोस्कोप के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया तो हमने रेडिएशन चेंज की, इलेक्ट्रॉन बीम हो गई ना. तो इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से क्या चेंजेस आए? रेजोल्यूशन बढ़ गई, ये फायदा होगा. नुकसान क्या हुआ कि लिविंग स्पेसिमेन नहीं देख सकते हैं, ठीक है, और ब्लैक एंड व्हाइट इमेज फॉर्म होती है और बहुत ज्यादा थिन सेक्शंस चाहिए,
सही है, बहुत ज्यादा थिन सेक्शंस चाहिए जिसके लिए मशीन्स चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, यानी ट्रेन स्टाफ चाहिए होगा। तो जो स्टाफ ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा सैलरीज लेगा, यानी पहले तो आप उस स्टाफ को ट्रेन करो, उस ट्रेनिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होगी। जाहिर सी बात है ना, आपका जो स्टाफ है उसको आपको ट्रेन करना पड़ेगा क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको आपको ट्रेन करना पड़ेगा, उसकी हाई कॉस्ट होंगी, फिर उसकी उनकी सैलरीज, ठीक है, तो एक्सपेंसिव है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके अलावा ड्राई स्पेसिमेन चाहिए होगा, स्पेसिमेन को ड्राई करना पड़ेगा, उसकी वजह से आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। और प्रॉब्लम क्या है? और रेडिएशन की वजह से और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? रेडिएशन की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जो लाइट माइक्रोस्कोप है ना, डज नॉट रिक्वायर हाई स्टेबल वोल्टेजेस। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इट रिक्वायर्स वेरी हाई स्टेबल वोल्टेजेस। हफ्सा प्लीज म्यूट योरसेल्फ, डिस्टॉर्शन हो रही है। ओपन योर माइक व्हेन यू वांट टू से समथिंग, ठीक है ना, क्योंकि अगर तुम कुछ बोल रहे हो तो डिस्टॉर्शन खत्म हो जाती है, बट इफ यू जस्ट ओपन योर माइक एंड लीव इट तो उसे डिस्टॉर्शन हो रही होती है, मे बी बिकॉज ऑफ योर फैन और एनी अदर थिंग। ठीक है, तो याद रहे कि हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए हमें बहुत ज्यादा हाई वोल्टेजेस चाहिए होते हैं, हाई वोल्टेजेस और स्टेबल वोल्टेजेस। ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो घर में किसी स्विच में आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का तार लगा दिया और चलो भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चल रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, लाइट माइक्रोस्कोप तो ये है कि अभी मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ लाइट माइक्रोस्कोप, मैं गाड़ी से लाइट माइक्रोस्कोप निकाल के आऊंगा, घर में लगाऊंगा, चल जाएगा, मैं कहीं भी लगाऊं लाइट माइक्रोस्कोप चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए स्पेशल रूम्स होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली हाई वोल्टेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? क्योंकि एक्चुअली हाई वोल्टेजेस क्यों रिक्वायर्ड है, एनी आइडिया? ये जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है ना, यहाँ पे अगर हम वापस डायग्राम पे जाएं, ये जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है, ये इलेक्ट्रॉन सोर्स होती क्या है? इट इज अ फिलामेंट। सही है, एक फिलामेंट होती है ये, और उस फिलामेंट को क्या किया जाता है, उस फिलामेंट के थ्रू करंट पास करवाया जाता है एट हाई वोल्टेजेस। फिलामेंट तुम लोगों को पता है कैसी होती है, तुम लोगों ने शायद इसको ओ लेवल फिजिक्स में पढ़ा हो कि वो कुछ इस तरह की फिलामेंट होती है, इसके थ्रू करंट पास कराया जाता है एट वेरी हाई वोल्टेजेस। ठीक है, तो जब इस फिलामेंट के थ्रू करंट पास करवाते हैं बहुत ज्यादा हाई वोल्टेजेस पे, तो क्या होता है, ये फिलामेंट हीटअप होती है, बहुत ज्यादा हीटअप होती है, और से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, बहुत स्पीड में निकलना शुरू हो जाते हैं, वेरी वेरी हाई स्पीड। ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होती है। तो मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या होती है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन फिलामेंट होती है, मतलब एक फिलामेंट होती है, मेटल की फिलामेंट है, मेटल वायर है ये। सही है, तो इसके साथ हम क्या करते हैं कि इसके थ्रू हम करंट पास कराते हैं एट वेरी हाई वोल्टेजेस, और उसकी वजह से ये होगा कि फिलामेंट ओवरहीट होगी और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और बीम बना देंगे। ठीक है, तो हीटिंग फिलामेंट एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने शायद पढ़ा होगा ओ लेवल्स में, जिसमें फिलामेंट को हीट करते हैं और उससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। और हीट कैसे करते हैं, फायर फ्लेम से हीट नहीं करते, करंट पास कराते हैं एट वेरी हाई वोल्टेज। तो याद रहे कि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन्स की, समझ में आई बात? कि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स स्पीड अप होंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूव करेंगे। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें तो बहुत हाई स्पीड से फ्लो करें, तो हम बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। हाई वोल्टेज इसलिए रिक्वायर्ड है और स्टेबल इसलिए रिक्वायर्ड है ताकि बीम
ऐसा ना हो कि बीम की स्पीड कम हो रही है, फास्ट हो रही है, कम हो रही है, फास्ट हो रही है, ऐसा नहीं, स्टेबल चाहिए वोल्टेज। तो अगेन अगर आपको स्टेबल वोल्टेज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हाई कॉस्ट। तो दिस इज ऑल ड्यू टू रेडिएशन, समझ में आ गई सारी बातें। और क्या डिफरेंसेस हैं लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में? लाइट माइक्रोस्कोप की लो मैग्निफिकेशन है, ठीक है? कितनी मैग्निफिकेशन है लाइट माइक्रोस्कोप की? यूजुअली इनटू 100 से लेके, चलो इनटू 100 से नहीं, इनटू 40 से लेके इनटू 1500। ये मैग्निफिकेशन है लाइट माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कितनी होती है? हाई मैग्निफिकेशन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। कितनी होती है? इनटू 150,000 या इनटू नहीं लिखना चाहिए, चलो अप टू लिख देते हैं, अप टू 250,000। क्या मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लो मैग्निफिकेशन भी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम जो है वो सिर्फ हाई रखें, यानी हम लो मैग्निफिकेशन भी चूज कर सकते हैं। कि जैसे ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हम इनटू 10,000 चूज करें, हम सेट कर सकते हैं मैग्निफिकेशन ना, खुद अपनी मर्जी से हम मैग्निफिकेशन सेट कर सकते हैं। कहां तक लेके जा सकते हैं मैग्निफिकेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की? 250,000 तक लेके जा सकते हैं, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन हम सिर्फ 1500 तक लेके जा सकते हैं। बात समझ में आई? यानी इनटू 40 लोएस्ट होती है लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन, और हाईएस्ट कितनी होती है? 1500। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है वो हाईएस्ट कितनी होती है, यानी आप कहां तक लेके जा सकते हो उसको? 250,000 तक, तो बहुत ज्यादा हाई है। मैग्निफिकेशन क्या होती है? मैग्निफिकेशन क्या होती है कि कितना आप जूम इन कर सको, ठीक है, जूमिंग इन पावर। तो मुझे बताओ कि मैग्निफिकेशन भी रेडिएशन की वजह से या नहीं? इज मैग्निफिकेशन ड्यू टू रेडिएशन और मैग्निफिकेशन इज नॉट ड्यू टू रेडिएशन? रेडिएशन का रोल है मैग्निफिकेशन में? नो, रेडिएशन का रोल नहीं है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में किसका रोल होता है? लेंसेज का। समझ में आई बात? जो आप लेंस इस्तेमाल कर रहे हो, ये लेंसेज है ना, यहाँ पे कौन कौन से लेंसेज इस्तेमाल करते हैं? कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है? यानी लाइट माइक्रोस्कोप में हम दो लेंसेज इस्तेमाल करते हैं, तीन करते हैं बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, लेकिन कंडेंसर लेंस जो होता है ना वो मैग्निफाई नहीं करता। यानी याद रहे कि जो लेंस है यहाँ पे कंडेंसर लेंस, ये मैग्निफाई नहीं करता। लाइट माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज मैग्निफाई करते हैं, कौन कौन से? ऑब्जेक्टिव लेंसेज और आईपीस लेंस, ये दोनों मैग्निफाई करते हैं। मैग्निफाई का मतलब जूम इन करना, समझ में आई बात? और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कौन से लेंसेज मैग्निफाई करते हैं? कंडेंसर लेंस नहीं करता, कौन कौन से करते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस और प्रोजेक्शन लेंस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आईपीस नहीं होता ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आईपीस लेंस नहीं होता, तो उसकी जगह प्रोजेक्शन लेंस है जो प्रोजेक्टर में लगा हुआ होगा। बेसिकली एक प्रोजेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो उसमें लगा हुआ होगा। लाइट माइक्रोस्कोप में आईपीस होता है, तो आईपीस के अंदर आईपीस लेंस लगा हुआ होगा। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रोजेक्टर है, तो उसमें प्रोजेक्टर लेंस लगा होगा, प्रोजेक्शन लेंस। ऑब्जेक्टिव दोनों में होते हैं। तो इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन, सही है, और मैग्निफिकेशन के केसेस। तो पूरा हम नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह मैग्निफिकेशन डिस्कस करेंगे। एनी प्रॉब्लम अभी तक? कोई प्रॉब्लम?